Hello student, I am Dr. Charuka Mesra and today we are doing a topic which is related to the biology subject. We are doing the topic that is a blood topic जो है वो हम लोग कर रहे हैं biology के अंदर. The study of blood is called hematology. अपन जो ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी बोलते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरोलॉजी? सेरोलॉजी होता है हमारे पास में बॉडी के अंदर जो सेरम होता है और अदर फ्लूइड्स होते हैं उसकी स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेरोलॉजी. और ब्लड की जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं. नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड. ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं. तो ब्लड इज कम्पोज ऑफ, यदि आप ब्लड को देखें तो इट इज़ अ नेचुरल कोलॉइड. नेचुरल कोलॉइड का मतलब क्या हुआ? सम फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड नेचुरल कोलॉइड. ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है जिसके अंदर सम ऑफ द कॉर्पसल्स होती हैं जो लिक्विड प्लाज्मा के अंदर क्या होती हैं बेटा, फ्लो होती रहती हैं. तो इट इज़ अ नेचुरल कोलॉइड होता है. सेकेंड, इट इज़ अ कनेक्टिंग टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? इट जॉइंट्स डिफरेंट पार्ट बाय थ्रू ये फ्लो करता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. तो इट इज़ वर्क एज अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट, द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4 विच इज स्लाइटली बेसिक. वी नो दैट द पीएच रेंज होती है वो 0 to 14 होती है. 0 to 7 तक अपने पास में नीचे की तरफ जाते हो तो सारा क्या होता है हमारे पास में एसिडिक पीएच होता है. 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच एंड 7.4 पे हम चले गए तो दैट इज़ द 7 to 14 क्या होता है? बेसिक होता है. तो जो ब्लड होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? स्लाइटली बेसिक होता है. नाउ मेल के अंदर ये अपन देखें तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है नॉर्मली होता है अप्रोक्सीमेशन. एंड फीमेल्स के अंदर जो होता है वो 5 लीटर ब्लड होता है. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यदि हम देखें तो कहाँ पर होता है? जब बेबी वॉम के अंदर होता है, मदर की बॉडी में वॉम में होता है, तो उस समय जब एम्ब्रियो स्टेज पर होता है तो ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर करता है. बट आफ्टर द बर्थ एंड टिल एडल्ट मीन्स के अंदर भी, वुमेंस के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है बेटा? बोन मैरो के अंदर होता है. नाउ वेयर ब्लड इज स्टोर, ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है? यदि कोई पूछ ले कि वेयर द ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है बॉडी के अंदर, तो जो ब्लड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? स्प्लीन के अंदर जो है वो ब्लड स्टोर होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक. इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? ब्लड बैंक भी बोलते हैं. अच्छा, दूसरा इसको हम ब्लड का RBCs का ग्रेवियार्ड भी कहते हैं. RBC का ग्रेवियार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्टर 120 डेज RBC क्या होती है? डेड हो जाती है. आफ्टर डाइट RBCs जो होती हैं वो सारी कहाँ पर आ जाती हैं? स्प्लीन में आ जाती हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवियार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं. नाउ यदि हम ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल देखें तो कितना होता है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है. दैट इज़ अ एक नॉर्मल इंसान के अंदर 200 से लेस देन और 200 के आसपास होना चाहिए. यदि 200 से ऊपर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो आदमी ही सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है. नाउ नेक्स्ट, अपने पास में ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन दैट मीन्स इसके अंदर क्या होएगा बेटा? आयरन होएगा. दिस इज़ अ ऑक्सीजन कैरियर इन आर बॉडी. ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम भी करता है. नाउ मेन के अंदर यदि हम देखें तो कितना होता है अपने पास में आयरन? 14 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास, 14 to 17 की रेंज होती है. बट जनरली 14 to 15 के बीच में मेन्स के अंदर मिलता है. फीमेल्स के अंदर इसकी जो कैटेगरी होती है दैट इज 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होती है. हमारी बॉडी के अंदर फीमेल्स के अंदर जो आयरन होता है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है ब्लड में. What are the functions of blood? If we know कि कौन कौन से अपने पास में ब्लड के जो है वो फंक्शन होते हैं. पहला, रेगुलेट टेम्परेचर. हाउ इट इज रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है. हमको पता है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है. ब्लड का प्रेशर क्या होता है बेटा? यदि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेंस होती हैं. आफ्टर दिस टॉपिक विल स्टार्ट द टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है और उसके अंदर क्या होता है? आर्टरीज एंड वेंस होती हैं. आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड जो होता है आर्टरीज से होकर जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ जाती है.
और वेंस की थ्रू क्या होती है, वहाँ से वापस से कलेक्ट होके हार्ट पर आती है। तो इस तरह से हमारे पास में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो लगातार होता रहता है बॉडी में, इसकी वजह से क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। हमारे पास में हॉर्मोन्स जिन भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन जो हॉर्मोन सिक्रेट होता है वो सारा हॉर्मोन जो होता है वो ब्लड में सीधा मिल जाता है। इसके लिए कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, कोई ट्यूब्स नहीं होती हैं, वो जैसे ही बनता है वो सीधा ब्लड में मिल जाता है। तो ये सारे हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका सर्कुलेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस इज ऑल्सो डन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर यह जाता है। नाउ सर्कुलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हम लोग प्रोटीन खा लेते हैं, लिपिड खा लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं हम लोग, राइट। तो इन सभी में क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इट इज़ ऑल्सो सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड, इट इज़ सर्कुलेटेड, ठीक है ना बेटा। ये बाहर नहीं निकाला जाता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, इट इज़ ओनली सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड। नाउ नेक्स्ट के पास में इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज अ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। यदि कहीं कट लग गया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड क्लॉट जमाना, जिसकी वजह से ब्लड जो है अपने आप जहाँ से कट लगा है वहाँ पे धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जब वो क्लॉट हो जाता है तो उससे क्या होता है हमारे पास में बॉडी के अंदर ब्लड लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, आफ्टर ब्लड के सभी कंपोनेंट्स देखने के बाद में हम देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो किस किससे मिलकर बना होता है। इफ वी गो टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। व्हाट आर द प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है 55 to 60% ऑफ प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। इट इज़ ए लिक्विड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट होता है, येलो कलर का क्लियर लिक्विड होता है। इसमें 91 to 92% तक वाटर रहता है और 8 to 9% इसके अंदर सॉलिड पाया जाता है। इसमें मेनली तीन तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। दीज प्रोटीन्स हैव देयर डिफरेंट वर्क्स। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, दे रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी। सेकंड दैट इज ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन वर्क्स अगेंस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीबॉडीज जनरेट करने का काम करता है। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आया तो एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, ये इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है, दैट इज ग्लोब्यूलिन। थर्ड होता है हमारे पास में फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नाम से क्लियर हो रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक तरह की जाली बना देता है, जिसकी वजह से जब भी कट लग जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। इसकी वजह से जो अपने पास में प्लेटलेट्स हैं जो बह के बाहर निकल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ब्लड का क्लॉट बनाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। दीज आर द थ्री प्रोटीन्स विच वर्क्स डिफरेंटली इन द प्लाज्मा। यदि प्लाज्मा से इन प्रोटीन्स को हम रिमूव कर देते हैं तो जो लिक्विड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। जनरली डायग्नोस्टिक पर्पज से डिफरेंट टेस्ट जब कराने होते हैं तो सीरम टेस्ट भी किया जाता है। अब इस सीरम के अंदर सीरम जो है क्या है, इफ दीज प्रोटीन्स आर रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा दे फॉर्म अ क्लियर येलो कलर लिक्विड। ये येलो कलर का जो लिक्विड बनता है अपने पास में उसको हम बोलते हैं सीरम। सीरम के अंदर RBC WBC जो प्लेटलेट्स होती हैं, या मैं ये कहूँ कि येलो कलर लिक्विड दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्लोटेड ब्लड, क्लोटेड ब्लड में से यदि अपन येलो कलर का सीरम बाहर निकाल, येलो कलर का लिक्विड बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा, इन प्लाज्मा पढ़ते हैं तो प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ ऑल्सो अ येलो कलर लिक्विड। ये भी एक येलो कलर लिक्विड होता है, क्लियर होता है, बट वेन क्लोटिंग इज प्रिवेंटेड, जब क्लोटिंग ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है तो जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जब थक्का जम जाता है उसमें से थक्के को रिमूव कर लेते हैं तो जो बनता है वो क्या होता है, सीरम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55 to 60% होता है। सेकेंड हमारे पास में ब्लड के अंदर क्या होती है, कॉर्पसल्स होती हैं, दीज आर 40%। ये तीन होती हैं अपने पास में, RBC WBC एंड प्लेटलेट्स। दे हैव देयर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। RBC को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं।
RBCs जो होती हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड कलर की होती हैं। WBCs जो होती हैं वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है पिगमेंट, तो ये वाइट कलर की होती है, इसीलिए इसको ल्यूकोसाइट बोला, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स बोलते हैं, विच इज वर्क अगेंस्ट द ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करता है। तो इन्हीं के बारे में अब हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं अपन इसके बारे में, कॉर्पसल्स के बारे में। This is all about the composition. Now we are starting with the corpuscles. Last topic हम लोगों ने क्या किया था? Composition of blood किया था। Composition of blood के अंदर first हमने plasma के बारे में complete कर लिया था। Now we are doing corpuscles. Corpuscles क्या होती हैं? 40% पाई जाती हैं और हमारे पास में क्या होती हैं? RBC, WBC, platelet होती हैं। RBCs को हम क्या बोलते हैं? Erythrocytes बोलते हैं। एंड WBC को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का डिफरेंट नेम होता है। नाउ RBC के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। RBC इट इज़ अ सर्कुलर इन शेप और मिडल से क्या होती है? हल्की सी दबी हुई होती है। तो ये आपके पास में सर्कुलर इन शेप होती है। यदि अपन RBC का लाइफ स्पान देखें कितने समय ये जिंदा रहती है बॉडी के अंदर, तो 120 डेज ये क्या रहती है? जिंदा रहती है बॉडी के अंदर। यदि हमारे बॉडी के अंदर RBC जब हम लोग हाइट पर जाते हैं, कहीं पर पहाड़ी पर चढ़ गए, तो हमारी सांस फूलने लगती है। ये क्यों होता है? हमारे बॉडी के अंदर RBC जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं व्हेन वी आर रीचिंग टू द हाइट। नाउ लाइसोसोम एब्सेंट रहता है इसके अंदर, लाइसोसोम एब्सेंट बिकॉज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम एब्सेंट रहता है RBCs के अंदर। लाइसोसोम एब्सेंट होने की वजह से ये जो RBCs हैं उनको जब मर जाती हैं आफ्टर 120 डेज क्या होगी? वो डाइड हो जाएंगे। आफ्टर डेथ उनका क्या होगा? उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए कौन काम करता है? स्प्लीन काम करता है। इसी स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक, ब्लड बैंक भी बोलते हैं बॉडी का, और उसको हम बॉडी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए मटेरियल नहीं होगा, तो डीएनए टेस्ट भी पॉसिबल नहीं है। यदि हम देखें बॉडी के अंदर कितनी होती है नंबर में, तो दे आर अबाउट 5 मिलियंस, 5 मिलियंस के अप्रोक्स RBCs बॉडी के अंदर होती हैं। यदि कोई अब बोलते हैं, जनरली सुना होगा कि ये एनीमिक है, एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड का लॉस। कोई ये कहता है कि इसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, कोई कहता है RBC की कमी है, कोई कहता है हीमोग्लोबिन की कमी है, कोई ये कहता है आयरन की कमी है। टैबलेट आयरन की दी जाती है ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे पास में सभी के सभी जो होते हैं, चाहे कोई कहे ब्लड की कमी है, कोई कहे अपने पास में RBC की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, इन सभी के अंदर एक ही डिजीज़ होती है, वो क्या होती है? एनीमिया। नाउ अपने पास में जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है। यदि हमारे पास में हीमोग्लोबिन, ये जो RBC है वो डिक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर डिजीनेस आने लगती है। हम लोगों को लगता तो है कि हम लोग काम करेंगे, पर हमें थकान लगने लगती है, हम लोग बहुत जल्दी स्लिपी महसूस होने लगता है हम लोगों को। तो बॉडी के अंदर RBC काउंट जो है वो RBC, WBC एंड प्लेटलेट काउंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो यदि ये तीनों काउंट आपके पास बॉडी के अंदर इक्वल नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी इच्छा तो होती है कि आप पढ़ो, पर आपको क्या होता है? स्लीपी एंड डिजीनेस महसूस होता है। तो इसका काउंट जो है बॉडी में क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। WBC, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ल्यूको मतलब कलरलेस। तो ये अपने पास में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये वाइट कलर की होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो WBC के अंदर न्यूक्लियस होने की वजह से DNA टेस्ट पॉसिबल होता है WBC से। नाउ ये क्या काम करती है? इसका काम होता है मेनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीजेज, जो भी बॉडी के अंदर डिजीज एंटर कर जाते हैं उनसे इन्हें बचाना WBC का काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। वाइट ब्लड सेल्स का यदि हम काउंट देखें तो ये कितना होता है? अप्रोक्स 10,000 के आसपास होता है। और यदि इसका लाइफ स्पान देखें तो कितने दिन के अंदर रहता है? तो ये 4 डेज होता है इसका लाइफ स्पान। हर 4 दिन के अंदर नई WBCs हमारी बॉडी के अंदर बन जाती हैं। मरने के बाद ये WBC कहाँ जाती हैं? ये जाती है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं।
तो जितनी भी डेड ऑर्गेन डेड मटेरियल जो होता है वो कहाँ चला जाता है, लाइसोसोम में चला जाता है। तो यहाँ पे अपने पास में जो WBCO कहाँ चली जाएगी, वो लाइसोसोम में चली जाएगी। नाउ अपने पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs बॉडी में पाए जाते हैं, मेनली 5 टाइप्स की WBCs होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल कोई डिजीज एंटर करता है तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले जो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया है तो हमारी जो एंटीबॉडीज है उस एंटीजन के साथ में जो भी अंदर एंटर कर गया है उसको रिकोगनाइजेशन करती है कि क्या अंदर घुसा है। जब वो रिकोगनाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है तो वो किसको बोलती है, लिम्फोसाइट्स को बोलती है। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एकदम से अपनी संख्या में अपनी नंबर में बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, दे आर स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज विच इज एंटर टू द बॉडी। जो अंदर एंटीजन आ गया है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, ये फाइट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब वो फाइट करके उसको डेड कर देगा तो डेड बॉडीज पड़ी होंगी उसकी, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन होएगा, मोनोसाइट होएगा। मोनोसाइट क्या करता है, ये साइज में बड़ा होता है और ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जो ये किल्ड बैक्टीरिया किल करने का काम नहीं करता है, जो किल्ड बैक्टीरिया उसको ईटन अप करने का काम करता है, उसको खा जाने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और रेस्ट ऑफ अपने पास में न्यूट्रोफाइल ईसिनोफाइल एंड बेसोफाइल्स भी पाए जाते हैं WBC के अंदर। नाउ थर्ड अपने पास में आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि समटाइम आपको पूछ लेते हैं कि भाई आप लोग सुनते हो फला को कैंसर हो गया, फला को अपने पास में HIV हो गया, तो उनके अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। उनके अंदर बेटा ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब ये लिम्फोसाइट अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होएगा, लिम्फोसाइट जो कि फाइट नंबर में इंक्रीज करके फॉरेन मटेरियल से फाइट करके उसको डेड करने का काम कर रहे थे, तो यदि ये ही अपने पास में बॉडी में डेड हो गए तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम करना बंद कर देगी। HIV और कैंसर दोनों के अंदर ही हमारे पास में लिम्फोसाइट जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए इन बीमारियों को नॉन क्योरेबल डिजीज के अंदर डाला गया है। नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के अंदर हम देखें तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 डेज होता है। ये अप्रोक्स 2 लाख तक पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस के शेप के होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इससे हम प्लेटलेट्स से DNA टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा ये क्या करता है, इसका यदि अपने पास में कम या ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर जो पावर है वो कम ज़्यादा हो जाती है। यदि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे अंदर थकान महसूस, मतलब हम कोशिश तो करते हैं कि चलना है पर चल नहीं पाते हैं, हम लोग गिर जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास में बॉडी की जो पावर है वो कम हो जाती है। वन ऑफ द डिजीज विच इज स्प्रेड अराउंड द इंडिया दैट इज डेंगू। डेंगू जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल ही। तो डेंगू का क्या मतलब है, डेंगू के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स का काउंट 2 लाख से 2 हज़ार तक चला जाता है, धीरे 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 कम होने लगता है, इसकी वजह से बॉडी में पावर नहीं रहती है। तो दीज आर द डिफरेंट कार्पसेस विच आर प्रेजेंट द बॉडी। द RBC कम हो जाएगा तो डिजीनेस हो जाएगी, WBC कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग कैपेसिटी फॉरन मटीरियल डिजीज से फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और प्लेटलेट्स का काउंट की बॉडी में कम हो गया तो हमें बॉडी के अंदर पावर कम हो जाएगी काम करने की। तो दीज आर द डिफरेंट कार्पसेस, ब्लड के अंदर जो कार्पसेस होती है उनके बारे में। ओके, थैंक यू।